Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भगवान, सात पीढ़ियों से इस घराने में किसी रानी ने संतान को जन्म नहीं दिया। 250 साल के बाद मैं पहली रानी हूं जिसे मां बनने का गौरव मिला है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। महारानी, क्या प्रार्थना सुन ली भगवान ने? क्या मांगा था तुमने? हम अपने मुंह से कैसे कहें क्या आप पिता बनने वाले हैं? हम पिता बनने वाले हैं। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इस खुशी को किस तरह से बयान करूं। बेहद खुशी की बात है, वरना इस घराने में आज तक गोद ली हुई औलाद से वंश की बेल बढ़ती है। भगवान की खास कृपा हुई है हम पर, ये तो बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद का फल है। क्या प्रार्थना सुन ली भगवान ने? क्या मांगा था तुमने? हम अपने मुंह से कैसे कहें क्या आपके पास बनने वाले हैं? जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। जय शंकर, जय जैश, विश्वासघात, हत्यारे, ये क्या किया तुमने? पिता के खून से हाथ रंगकर क्या मिलेगा तुझे? सुंदरगढ़ का राज। नीच, मैंने तुझे अपना बेटा बना ही दिया था, एक ना एक दिन तू राजा बन ही जाता। लेकिन तुम्हारी मौत के बाद न जाने वो मौत तुम्हें कब आती, इसीलिए आज मुझे इस खंजर का सहारा लेना पड़ा। तूने पुत्र के धर्म का नाश किया है, उसे कलंकित किया है, पिता के प्यार को ठगा है। यदि ईश्वर की आज्ञा है तो मरते मरते मेरी व्याकृत आत्मा तुझे श्राप देती है कि एक दिन तू भी अपने
बेटे के हाथ से मार जाएगा। भोलेनाथ मेरी बात के गवाह है ना, अब इसे सच करना। शिव शंकर जैसे आशीर्वाद नहीं, ये आशीर्वाद नहीं, ये श्राप है, श्राप, अभिश्राप। बधाई हो प्रजापालक, बधाई हो। भगवान भोला शंकर की कृपा से महारानी की गोद में चांद सा बेटा आएगा। कोई जरूरी है कि बेटा ही आएगा? हाँ सरकार, शर्त लगा सकती हूँ। नहीं, शर्त हार जाओ। आए महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं। माता पिता मन्नत मानते हैं औलाद की, और उसमें भी बेटा। सुंदरगढ़ के राज घराने में पश्चिम से सूरज उगेगा सरकार, पश्चिम से। नहीं, पश्चिम में सूरज का डूब जाना ही अच्छा है। जो रीति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वही होनी चाहिए। हाय राम, आप पिता है या दाई? छलती हो किसके सामने खड़ी हो? क्षमा अन्नदाता। दाई, तुम्हें विश्वास है कि लड़का ही होगा? 99% मेरी बात आज तक कभी झूठ नहीं निकली। बेटे का जन्म होते ही गुड्डी में जहर मिला के पिला सकती हो? मेरा सर उड़ा दीजिए, मगर ऐसी कठोर परीक्षा ना लीजिए। मैं जन्म दिलाने वाली दाई हूँ, जान देने वाली दाई नहीं। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा, और भी मिलेगा, और भी मिलेगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आता मेरे मालिक। ताई, अगर तू होने वाले बच्चे को मौत नहीं दे सकती तो इतना जरूर कर दे कि अगर होने वाला बच्चा बेटा हो तो उसे मेरे हवाले कर दे। और मेरे मालिक, जो मैं अपने कलेजे का टुकड़ा निकालने के लिए अपना तन मुझे सौंप रही है, उसे क्या दूं? ये सोने का ढेर उसी की कीमत, उसी की कीमत। उठा ले, उठा ले, उठा ले। क्या सोच भगवान भोलानाथ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। धीरे रखो, मैं अभी आती हूँ। अभी कुछ नहीं हुआ महाराज। और नानी को देने के लिए कुछ? सब ठीक हो गया। बड़ी मुश्किल से दूर गांव से एक धोपन मिली है जो अपना बच्चा बेचने पर तैयार हो गई। ठीक है, काम होशियारी से करना। हाँ महाराज। चलो चलो। दो राजकुमार, वाह रे विधाता, 250 साल से इस वंश को एक भी पुत्र नहीं, और आज दिया है तो एक नहीं बल्कि दो। बहू दोनों की शक्ल, पर अब मैं क्या करूं? सोचती क्या है, तुझे दो ही बच्चे चाहिए थे ना, एक महाराज को देने के लिए, दूसरा महारानी के लिए। तो फिर धोबन के बच्चे का क्या होगा? उसे तू इनाम दे ही चुकी है, वापस कर दे उसका बच्चा, वापस कर दे, वापस कर दे। आपका बच्चा, धोबन का बच्चा बेहोश महारानी के पास छोड़ा है। शाबाश, तुमने मोतियों जैसा काम किया है, इसलिए इनाम में तुम मोती ही पाओ। यही जगह ठीक रहे, यहां से जंगली जानवर खा।
भगवान हमारी कब सुनेगा। बिंदु, कुछ देखा तुमने? बिंदु बहन, उसमें तो बच्चा भी है। तो देख क्या रही है, जल्दी जा, पानी में से निकाल कर ला, जल्दी जा, जल्दी जा। बनने वाली खुद से तो कुछ जला नहीं गया, चली लोगों के बच्चों की मां बनने। ला इसे मुझे दे दे। अरे क्या मेरा बच्चा मैं नहीं दूंगी। देगी कि नहीं देगी बताती। अरे तू मुझे क्या बताएगी, बता तो फिर ले। अरे छोड़ भला, तू भी ले। ठहर ठहर, देती है कि नहीं? नहीं दूंगी, ये बच्चा मेरा है। मैं कैसे इसे मुझे दे दे, नहीं तो चिल्लाती ही रहती। मैं तो इधर तो हूँ। देखो, नाग देवता ने हमारी प्रार्थना सुन ली, कैसा चांद जैसा बच्चा दिया है। हाँ, कितना सुंदर बच्चा है ये। किसका है? किसी का भी हो, अब तो हमारा हो गया। सच सच, आज जब मैं नदी किनारे गई तो नाग देवता ने बीच मझधार से लाके किनारे पे छोड़ दिया और खुद गायब हो गए। जय नाग देवता। ला 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 मेरे पास। जानते हो, जब मैं बच्चे को नदी से निकाल रही थी तो वो इंदु चौधरी ने कहती बच्चा मुझे दे दे, पहले मैंने देखा है, और लड़ने मरने पर उतर आई। लड़ने मरने पर उतर आई, फिर क्या? मैंने उसको खूब पीटा और पानी में धक्का दे के बच्चे को लेके घर भाग गई। अच्छा किया, ऐसा बच्चा कोई छोड़ता है भला? पर एक बात है, क्या? कहीं उस मुटल्ली के घर वाले ने गड़बड़ की तो जान की बाजी लगा दूंगा। नाग देवता का प्रसाद है ये, इसे कोई हाथ लगा के तो देखे। जा तू जल्दी से दूध ले, न जाने बेचारा कितनी देर से भूखा, चल तू जा जल्दी से। ए मोहन, जल्दी खाना, राधा के घर जाना है और उसके यहाँ लड्डू बटेंगे। किसके यहाँ लड्डू बट रहे रे? राधा की यहाँ चाची, आज उसका जन्मदिन है ना। राधा की यहाँ? हाय हाय, चौधरी की एक छोकरी क्या पैदा हो गई, कभी जन्मदिन मनाती कभी लड्डू बांटती। बदलू तू जा यहाँ से, मेरा मोहन नहीं जाएगा। हाँ मोहन बेटा, ऐसे छचोरे लोगों के घर नहीं जाते बेटा, नजर लग जाती। खा लो बेटा। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। ये भगवान का प्रसाद है बेटे, इसे खा लो। नहीं माँ, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा।
तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। महाराज तुम्हारे ही लाड प्यार ने से बिगाड़ दिया है, जो गुस्ताख हो गया, बेअदब हो गया, इसलिए हम आज इसे राजघर तालीम हासिल करने के लिए भेजने का इंतजाम करते हैं। सुन बेटा, अब नाग देवता का नाम लेकर बीन को प्रणाम करो। इसके सुरों से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और इसी से हम लोग अपना पेट पालते हैं। आज से यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा कर्म। बोलो नाग देवता की जय। लो अब इसे अपने होठों से लगाओ और बजाओ। Thank you.
छूटे पर न छूटे हमसे गली यार की, प्यार की खातिर जान पे खेले हम है वो दीवाने। अभी यदि रुकी मुझे छेड़ी मुझे बाल माँ, कभी कहे जानी जिधर कभी कहे जान माँ। मेरी हुई गोरी दुनिया मेरी हो गई, कोई चले कोई मरे अपनी भला जाने। अभी यदि रुके मुझे छेड़े मुझे बाल माँ, कभी कहे जानी जिगर कभी कहे लाल माँ। मैंने हजार बार मना किया है कि उस नदी डुबे मोहन से मिलने मत जाया कर, मगर तू है कि सुनती ही नहीं। मैं भी आज तुझे सीधा करके ही रहूंगी। बोल बोल, जाएगी उससे मिलने? बोल जाएगी? अरे 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 अरे, ऐसी भी कहाँ चली गई थी राधा बिटिया, जो तुम काली घटा की तरह उस पे भरोसा। इसी से पूछ लो ना। राधा कहाँ गई थी बिटिया? कहीं नहीं बाबू, कहीं नहीं। उस गोकुल के लफंगे छोरे के साथ रात मैं कर रही थी। बच्चों के हंसने खेलने को खोटी नजर से देखती हो। ये बच्ची है, बेटी की जात है, हाथ से निकल गई तो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहोगे। अरे बेटी आखिर बेटी ही रहेगी, एक न एक दिन किसी के हाथ में तो हाथ देना ही पड़ेगा। मैं पूछूं रानी, आखिर मोहन में ऐसा क्या खो? अरे लाज शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, न जाने कहां से डूबता हुआ इस गांव को कलंक लगाने के लिए यहां आन मरा है। अच्छा, आज वो गांव का कलंक है, और उस दिन नन्हे मोहन को नदी में पड़ा देखकर घर का उजाला बनाने के लिए लड़ में मरने पर तैयार हो गई थी। देखो जी, मेरे मुंह लगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं अपने जीते जी तुम्हें राधा का नाता मोहन से नहीं जोड़ने दूंगी, नहीं जोड़ने दूंगी। मेरी राधा का ब्याह उसी से होगा जिसे मैं पसंद करूंगी। बुलाया है मैंने बदलू को। चौधरान, ए चौधरान, ए चौधरान, हम आ गए। नाई बदलू राव बनवारी लाल, बाल निकाल बाल संभाल। लो आ भी गया। आई बदलू राम। राधा बेटी, जब तेरी माँ मना करती है तो तू चली जाती है मोहन से मिलने, बोल ना बेटी। बापू, उसकी बीन की मीठी तान सुनते ही ना जाने मैं कैसे उसके पास पहुंच जाती। मत सुना कर बेटी, उसकी तान सुनकर भी कान बंद कर लिया कर। तेरी माँ को ये तान बहुत कड़वी लगती है। अब इस पर रखो 5 टके। चौधरी, ए चौधरी जरा यहाँ तो आओ। आया भाई आया। ये सब क्या? राधा का शगुन है, रखो इस पर 5 टके। राधा का शगुन? हाँ हाँ, अपने बदलू राम की नजर में मेरी पसंद के कई वर हैं। अरे कहाँ है, किस गांव में? अजी इसी गांव में और बगल वाले खेड़े में भी। अरे जब बगल में ही छोरा है तो नगर ढंडोरा पीटने की क्या जरूरत है, इसी गांव में शगुन दे दो। इस गांव में ऐसा कौन सा वर है? मेरा जिगरी दोस्त गबरू जवान मोहन। क्या कहा? हाँ बदलू राम जी, ये नाम इस घर में तो हरगिज मुंह से न निकालना, इसी नाम से तो इन्हें चोर है। इस गांव में ये नाम मुंह से न निकालना, समझे बदलू राम? हाँ बदलू राम जी, इस गांव में तो मुंह बिल्कुल बंद रख के सीधे निकल जाओ। हाँ। अच्छी बात है, ठीक है, मगर 5 टके तो रखो। देने पड़ेंगे। हाँ जी।
बदलू। अरे बदलू, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू? अरे यार, तू भी अकेला मैं भी अकेला, क्यों ना साथ चले? अरे यार, कन्नी काट के कहाँ जा रहा है? अच्छा, लंबे सफर पे जा रहा है। अबे सफर के बच्चे, एक झापड़ दूंगा आँख के टाटा हो जाएंगे, समझा? जाए। अच्छा, चावल और गुड़। अरे बदलू, ये तो बहुत अच्छा है यार। अबे रोता क्यों है? मेरा सारा शगुन बिखार दिया। शगुन? किसका शगुन? फिर? अरे बदलू, तुझे अपने जिगरी दोस्त मोहन की सौगन है, बता दो दे किसका शगुन है? फिर तुमने अपनी सौगन देकर अपना उल्लू सीधा करा लिया ना? अबे उल्लू सीधा कहाँ हुआ, टेढ़ा का टेढ़ा है मेरे दोस्त। मगर तू ये बता, केसरी घाट से सुबह सुबह किसके पास शगुन ले जा रहा था? मना किया है। मना किया है? किसने मना किया? राधा के बाप ने। राधा के बाप ने? तो क्या है राधा का शगुन? और राधा के बाप ने कहा है कि राधा के लिए वर ढूंढ ला। मिल गया बस। और तू भी मुंह मिचक कर। अबे देखता नहीं, तेरे सामने पांच हाथ का हट्टा कट्टा मोहन जो खड़ा है। भैया तू तो पांच हाथ वाला है, लेकिन मुझे दो हाथ वाले का क्या होगा? दे अपनी टोकरी दे। अबे जो होगा ठीक होगा। सुन बदलू, राधा के कान में कह दीजिए कि मोहन ने मुंह तो मीठा कर लिया, लेकिन मन अभी तक प्यासा है। कह देगा ना? कह दूंगा, राधा से नहीं तो राधा के बाप से जरूर कह दूंगा। मोहन का मन अभी तक प्यासा है। प्यासे के बच्चे बाप से कहेगा तो जूते पड़ेंगे जूते। अरे मोहन, जूते तो वैसे नहीं पड़ने वाले हैं। जब वो मुझसे पूछेगा कि शगुन किसे दिया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बुद्धू कहीं का। बस प्यारे इतना कह देना कि उसी को दे आया हूँ जिसके बिना राधा का जीवन सूना रहता है। और सुन, ये जो गुड़ है ना, ये भी राधा को दे देना। अच्छा, अच्छा। और कह देना तू भी मुंह मीठा कर। अच्छा मैं चला। बापू का कहना है कि घर में निछल्ला बैठा रहता है, चाटा के कमा के लाया कर, इसीलिए नाग पंचमी के मेले पे जा रहा हूँ बदलू। अच्छा तो देख, जल्दी से बहुत से पैसे कमा के लाइए। हम राजगढ़ी की प्रजा है, युवराज विजय प्रताप की जातियों से दुखी होकर हम फरियाद करने आए। क्या फरियाद है हमारे बेटे? क्यों हमारा बेटा सबकी आंखों का कांटा बना हुआ है? गुस्ता की माफ राजश्री, आज के युवराज का आचरण ठीक नहीं। हमारा विश्वास न हो तो एक बार आप खुद राजगढ़ी पधार कर अपनी आंखों से देख लें। बेशक, हम खुद जाएंगे। हमें विश्वास है कि हमारा बेटा कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो राजघराने की शान के खिलाफ हो। ये दिल फरेब सूरत, ये फितना दर अदाए, ये दिल फरेब सूरत, ये फितना दर अदाए, ये दिल फरेब सूरत, ये फितना दर अदाए, अदाए, अदाए। इंसान क्या फरिश्ते, देखें तो सर झुका सर झुकाए, ये दिल फरेब सूरत, ये फितना दर अदाए। कदर हसी हो तुमको खबर नहीं है, तुम किस कदर हसी हो, तुम किस कदर हसी हो, तुम किस कदर हसी हो, हसी हो तुमको खबर नहीं है। आंख उठे नशा ता जाए,
जुल्फ बिखरे घटा सी छा जाए आंख उठे नशा सा आ जाए होए होए जुल्फ बिखरे घटा सी छा जाए होए होए नाज अंदाज है नजाकत है उस पे ये सादगी कयामत है कयामत है तुम किस कदर हसी हो तुमको खबर नहीं है आहे तुम किस कदर हसी हो तुमको खबर नहीं है दिल के करीब आओ हम आई ना दिखा दिखाए दिल के करीब आओ हम आई ना दिखाए ये दिल फरेब सूरत ये कितना गर अदाए देवियों के साथ राम 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 मोहन मुरलिया वाले रे अब तो दर्द दिखा दे दिखा दे मोहन मुरलिया वाले रे अब तो दर्द दिखा दे दिखा दे राधा ने जो सुनी थी वो धुन मुझे सुना दे मोहन मुरलिया वाले रे अब तो दर्द दिखा दे दिखा दे प्रभु तुम्हारे दर्द बिना ये जीवन है एक सपना रे सपना इन चरणों में जगह मिले तो जन्म सफल हो अपना रे अपना मोहन मुरलिया वाले रे वाले अब तो दर्द दिखा दे रे मोहन मुरलिया वाले रे अब तो दर्द दिखा दे मोहन मुरलिया वाले रे अब तो दर्द दिखा दे मोहन मुरलिया वाले रे अब तो दिखा दे। भाइयों और देवियों आज का कीर्तन समाप्त हुआ लेकिन आपको यह समाचार देते हुए हमें बहुत दुख होता है कि कल से यहाँ कोई कीर्तन नहीं होगा क्यों गुरुदेव ऐसा क्यों महाराज रात सपने में हमें आकाशवाणी हुई आकाशवाणी हाँ प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि उनके गुणगान के साथ साथ हमें अपने माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए और इसलिए हम आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे और सारा जीवन उनके चरणों में बिता देंगे धन्य हो महाराज धन्य हो माता जी महाराज के चरण छुओ बेटा पिताजी ठीक है ठीक है देखा महाराज हम न कहते थे कि हमारा नाम लाखों में एक है उठो बेटा ये सब आप ही का आशीर्वाद है माता जी अब हम आपके चरणों से कभी दूर नहीं रहेंगे ठीक है तुम यहीं रहो और इस इलाके की देखभाल करो जो आ गया महाराज लेकिन पहले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है महाराज ठीक है हमें कोई एतराज नहीं धन्यवाद महाराज अब बता भी दीजिए बद्दू राम जी ओ ताल आप इतनी चिंता क्यों करते हैं बताता हूँ वो है ना
वो मेरा मतलब कि वो अपने गांव वाले वो अपने गांव में। अरे भाई अपना गांव मतलब ये है अपने गांव के आस पास वो सुंबल खेड़े वाले वो बड़े 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 चौधरी 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 मान सिंह। क्या हुआ चौधरी मान सिंह या उनका बेटा धन सिंह? ओ, ओ मेरा यही मतलब है कि चौधरी मान सिंह का बेटा ध्यान सिंह। तो उन्होंने हमारी बेटी का रिश्ता मंजूर कर लिया? अरे कैसे नहीं मंजूर करेंगे है? अरे बदलू राम की बात आज तक किसने डाली है भला? लो तुम भी मुंह मिटा करो। आप लीजिए ना चौधरी, मैंने कहा घर पर ही हो। अरे ये आवाज तो संबल खेले वाले चौधरी मान सिंह की है। मान सिंह जी जल्दी जल्दी ना दरवाजा खोलिए तो जल्दी। मान सिंह जी आ गए क्या? पधारिए पधारिए आइए आइए। देख लो चौधरी हम खुद ही हाजिर हो गए। धन भाग हमारे। अब बताओ क्या इरादे हैं? मान बढ़ा दिया आपने। मान समझो जो अपमान। बस और ठहरने की गुंजाइश नहीं। तुमने पहले ही 11 महीने बिता दिए हैं। मगर रजामंदी तो आपने 2 दिन पहले ही बदलू राम को दी है। मतलब क्या है? लड़की आपकी हो गई लड़का हमारा। अरे मगर कैसी लड़की किसकी लड़की? मैं तो कर्जे की रकम वसूल करने के लिए आया हूँ। श्रीमान जी जब हम समझी हो ही गए हैं तो रकम भी बात तय कर लेंगे। क्या बात करते हो चौधरी, कुछ भांग भांग तो नहीं पी गए? कैसा संबंधी, किसका संबंधी? श्रीमान जी समझी नहीं समझते, जब हमारी राधा रानी आपके सपूत ध्यान सिंह की मंगेतर हुई तो समझी ना हुए तो क्या हुए? हाँ बाबू, हाँ? मेरी राधा के साथ मंगनी होगी ना तो हम संबंधी हो जाएंगे ना। बोल बेटा, बेटा मेरा है चौधरी, मैं नाता जोड़ने नहीं आया, कर्जे की रकम वसूल करने आया। नाता जोड़ने नहीं आए तो 2 दिन पहले बदलू से शगुन क्यों लिया था? कौन बदलू, कैसा शगुन? क्यों रे बदलू? अरे बदलू तो नहीं है बाबू, बदलू नहीं तो हम ले लेते हैं। अब ले लेते हैं तो कर्जे की रकम छोड़ दूं क्या? बापू बहू तो लक्ष्मी होती है, वो घर आएगी ना तो रकम रकम कर्जे का करने का। तू तो बैठता कि नहीं बापू? रकम को छोड़ दो, वो राधा ना, राधा से मेरा नाता छोड़ दो, ना तो मैं जल खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा। तू चुप कर मनहूस, सोचने का मौका तो दे मुझे। राधा चौधरी हमें ये रिश्ता मंजूर है भाई, बोलो कब आ रहा देख रहा हूँ। कब नहीं अब चट मंगनी पड़ गया। अरे मगर मेरे लाडले लाल घड़ी मुहूर्त तो देखने दे। देखना हाँ, तू चुप कर चौधरी जी, जल्दी से अच्छा सा दिन मुहूर्त निकलवाओ। ठीक है ठीक है, आइए चलो इसको चलो। बाबा छोड़ दूंगा, लेकिन लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ब्याह हो रहा है। ब्याह? ब्याह किसका? मुझसे पूछो किसका ब्याह हो रहा है? मेरी बेटी का, राधा का। राधा का? राधा का ब्याह? बोलो और कुछ पूछना है? हाँ, हाँ, मुझे एक बार राधा से मिलना है। जा जा उस नदी में डूब मत, जिस नदी में बहता हुआ आया है इस गांव को गंदा करने, बड़ा आया है राधा से मिलने। और खबरदार जो इस चौखट पे पैर रखा तो पैर तोड़ दूंगी। चल भाओ यहां से, जा राधा से मिल। अरे लड़कियों अभी तक स्नान हुआ कि नहीं? हो गया चाची हो गया, बस ब्याह का निशान गोदना बाकी है। अरे तुम लोग जाकर कोई जल्दी से बदलू को बुला कर लाओ, काम के वक्त उसके भी नखरे हो जाते हैं। आ गया? आ गया माई आ गया, बूढ़ा आदमी जो ठहरा देर सवेर तो हो ही जाती है। पर तू है कौन? मैं बदलू का मामा हूँ, मामा राधे का गोदना गोदने आया हूँ। कहाँ है राधे? राधे बदलू को क्या हुआ? उस बेचारे को जूड़ी बुखार आ गया है, कप कपी चढ़ी है कप कपी। वो जूड़ी बुखार से कांप रहा है और तुम बुढ़ापे से,
फिर राधा का गोदना कैसे होगा? होगा माई होगा, तुम बदन का बुढ़ापा देख के घबराना मत, मेरा हुनर देखना हुनर, ऐसा गोदना गोदूंगा कि तुम्हारे इस गोदने के निशान को भी मात कर देगा। हट बुढ़े। अगर विश्वास ना हो तो बेटी से पहले माँ को नमूना दिखा दूं। बस बस ज्यादा बातें ना करो। अरे ओ मोहिनी, देखो मामा आ रहे हैं, इससे राधा का गुदना गुदवा लो। अच्छा चाची अच्छा। तो मैं जाऊं? जाओ। अरे कितना सुंदर मुखड़ा है। वो तो है ही मामा, पसरा हल्के हाथ से गोदना, हमारी राधा का बदन बहुत नाजुक है। जानता हूँ भांजी जानता हूँ, मेरा असली कमाल देखना है तो यहाँ से जल्दी से भाग चलो भाग चलो। हम तुम्हारा क्या लेती है मामा, तुम अपना काम करो। अरे बुड्ढा आदमी ठहरा, कहीं हाथ वाथ कांप जाए तो इसकी माँ बुरा भला कहेगी। चल रही चल, करने दे बुड्ढे को काम। चल। अरे देखने में बुड्ढा हूँ भांजी, लेकिन काम करने में नहीं। राधे रानी, मुखड़े पर ब्याह की निशानी का रंग लगा दूं। बोलो बोलो। तुम अपना काम करो। वही तो करने आया हूँ रानी, मगर शादी के दिन मुखड़े पे उदासी कैसी। तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? अरे पगली कुछ है तभी तो पूछ रहा हूँ। मोहन, राधा क्या ही बारात तेरी खुशी से आ रही है। हाँ मोहन, मगर वो लोग मेरा मुर्दा उठा कर ले जाएंगे। देखो ये देखो, शहर पकड़ लेंगे तो फिर इस गांव से एक नहीं दो अर्थी निकलती। मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता राधा। मोहन मेरा भी जन्म सिर्फ तेरे लिए हुआ है। मोहन मुझे बचा रहे, मोहन मुझे बचा रहे। घबरा मत राधा, मैं तेरा हूँ और तेरा ही रहूंगा। गौर से सुन, आज शाम को जब बारात आ जाए और धूमधाम मची हो तो आंख बचा के गांव के बाहर नागपीपल के पास आ जाना, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा। अरे मामा निशान लगा। लगा दिया है मई, लगा दिया है, ऐसा निशान लगा दिया है, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं छूट सकता। बूढ़ा जो है जरा देर लगती है। मोहन मोहन मोहन, तेरी राधा आ गई। ब्याह के मुहूर्त से पहले बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूं। तू ऊपर क्यों बैठा है, नीचे उतर ना। मोहन तू तो एकदम सज धज कर दूल्हा बनकर आया है, साथ में घोड़ा भी लाया है, मगर एक बात है, तू तो एकदम लुटेरा लग रहा है, लुटेरा। मोहन जल्दी से यहां से चल, नहीं तो अगर कोई आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जाल बिछाए बिना ही चिड़िया फंस गई, बेचारी मुझे अपना मोहन समझ बैठी है, अब तो इसका मोहन बनना ही पड़ेगा। तू चुप क्यों हो गया, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं राधा, चलो। मोहन और राधा कर ले आओ, जाओ चौधरी। ओ चौधरी,
यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा चौधरी, तुम्हारी बेटी राधा को तो मोहन भगा कर ले गया। क्या कह रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा है चौधरी। लो सुन लिया, देखे नदी डूबेगी कब, अब जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर ले आओ। तुम चुप रहो, आज तक मैं इसे बच्चों का खेल समझे हुए था, लेकिन अब मैं इन दोनों बाप बेटों को देख लूंगा, गोकुल उस्ताद की सारी उस्तादी बुला लूंगा। अरे उस्ताद, अगर चंदनवाड़ी का वो काला नाग हमारे हाथ आ जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। अरे चौधरी काका, कहाँ जा रहे हो? गोकुल उस्ताद के घर। अरे भाई क्या बात है, मोहन राधा को लेकर भाग गया है। उसकी ये मजाक, उसने तो सारे गांव की नाक काट डाली। तुम लोग उसका पीछा करो, हम चौधरी से निपट लेंगे। हाँ चलो चलो। गोकुल उस्ताद, गोकुल चौधरी आया। राम राम चौधरी, क्या राधा के ब्याह का न्योता देने आए हो? जले पे नमक मैं छिड़कू गोकुल, राधा का ब्याह नहीं है क्या? हाँ, पर विघ्न पड़ गई और विघ्न डाल दी तुम्हारे बेटे ने। मोहन ब्याह से पहले ही मेरी बेटी को उड़ा के ले गया। चौधरी मुंह संभाल कर बात करो, मोहन तो अभी तक नागपंचमी के मेले से लौटा ही नहीं। मैंने खुद उसे राधा को घोड़े पर ले जाते हुए देखा है। क्या तुम सच कहते हो? चाहे जिसकी कसम दिलवा लो। अगर ये सच है तो मैं उसकी हड्डी पसली कर दूंगा। उसने चौधरी ही की नहीं सारे गांव की इज्जत को ललकारा है। चलो। और जाओगे कहां? मोहन लापता है, सारा गांव से तलाश कर रहा है। मैं धरती पाताल एक कर दूंगा, उसको तलाश किए बिना पानी तक के नहीं छूंगा। आओ मेरे साथ। मोहन बदलू कहां है? राधा उसी का तो इंतजार है बदलू, मगर ना जाने अभी तक क्यों नहीं आई। यारों से भी दिल लगी। अरे सारे गांव में आग की तरह खबर फैल गई है कि मोहन राधा को लेकर उड़नचू हो गया है। मैं तुझे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जहाँ उसे छुपा दिया है तू भी जाकर वहीं छुप जा। क्या पता है बदलू, इंतजार करते करते मेरी आंखें पतरा गईं। पर राधा तो गई। कहाँ गई? मालूम नहीं कहाँ गई। सारा गाँव तेरी जान का दुश्मन हो गया है, कहीं जाकर छुप जा, नहीं तो वो लोग आ रहे हैं। आ गए। फंगे, कहाँ है राधा? मुँह संभाल के बात कर वरना। वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीने चोरी। बता राधा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? मार के आगे तो भूत भी नाचता है, अभी मालूम होता। हिम्मत हो तो एक एक सामने आ जाओ। राधा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बाबू।
नहीं मालूम, अभी मालूम हो जाएगा। बता बाबू, बता, 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 नहीं बता, 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 बाबू, बाबू, बता, बता, नहीं बताएगा, मैं तेरी हड्डी मछली तोड़ दूंगा, बता, बता, मुझे नहीं मालूम, बाबू, बाबू मुझे नहीं मालूम, बाबू, बाबू तुम्हारे चरणों की सौगंध है, बाबू मुझे नहीं मालूम, बाबू नहीं मालूम। रामू ने अपनी आंखों से तुझे राधा को घोड़े पर ले जाते हो देखा है। नहीं बाबू, आप यकीन मानिए ये गलत है, कोई और बदमाश राधा को धोखा देके ले गया होगा। कोई और बदमाश होगा क्या? राधा तेरे बहकाने से घर से नहीं भागी, बोल बोलता क्यों नहीं? हाँ बाबू, मैंने उसे मिलने के लिए कहा था। क्यों कहा था? इसलिए कि मेरे सिवा किसी दूसरे से शादी करने के बजाय वो मर जाना बेहतर समझती। वो मर जाती तो लाना उठता, अर्फी उठती मेरे दरवाजे से, मगर दुनिया को मेरी इज्जत की चोट झालने का मौका तो नहीं मिलता। चौधरी चरणदास की बेटी तुम जैसे नखट्टू के साथ भाग गई। नहीं चौधरी काका, मैं राधा को भगा के नहीं ले जाना चाहता था, बल्कि आपका आशीर्वाद पाके उसे शादी करना चाहता था। अब उसके गायब हो जाने से सिर्फ आप ही की इज्जत नहीं, बल्कि सारे गांव की इज्जत को दाग लग गया, और इसका अपराधी मोहन है, सिर्फ मोहन। मोहन, अगर तुम्हें मोहन नाम इतना ही प्यारा लगता है तो लो, आज से तुम्हारी खातिर हम अपना नाम बदल के मोहन रख लेते हैं। नहीं, तुम अपना नाम बदल कर भी मेरे मोहन नहीं बन सकते। अगर हम तुम्हारे मोहन नहीं होते तो तुम हमारे साथ चली कैसे आती? तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्कुल नहीं, हमने तुम्हें जरा भी धोखा देने की कोशिश नहीं की, जरा भी बहकाने और गुमराह करने की चाल नहीं चली। तुम अपने आप हंसी खुशी दुल्हन की तरह साथ चली आई। मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया। छी 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 छी। इन मत भरे छलकते जामों को इल्जाम ना दो, जिनके पहले ही वार पे हम अपना सब कुछ हार चुके। अब हमें नाखून में आंसू नहीं, मोहब्बत की नशीली शराब देखना चाहते। ये तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं मोहन की हूँ और हमेशा उसी की रहूंगी। आखिर मोहन में और हम में फर्क ही क्या है? हमारा नाम मोहन नहीं था सो हमने वो भी रख लिया, और सूरत शायद कुदरत ने एक ही साचे में दोनों को घड़ कर भेजा है, वरना उस सूरत के बदले तुम इस सूरत के धोखे में कभी ना आते। तुम्हारी सूरत मोहन जैसी हो सकती है मगर दिल वैसा नहीं। दिल, दिल तो एक खूबसूरत धोखे का नाम ही मेरी जान, वरना हमारी सूरत ने जब तुम्हें मोहन का धोखा दिया था उस वक्त तुम्हारे दिल ने पुकार के ये क्यों नहीं कह दिया कि ये तुम्हारा मोहन है? आ मेरे पहलू में अब दिल का फसाना भूल जा, वो मोहब्बत, वो मोहब्बत का जमाना भूल जा। छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। हाँ, अपने ही मोहन की सूरत से नफरत कर रही हो? मैं कहता हूँ जिद छोड़, वो मोहन तुम्हें क्या देगा? हम तुम्हें मोहब्बत देंगे, इज्जत देंगे, अपनी रानी बना के दिल में रखेंगे। तुम्हारी रानी बनने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो फिर सोच लो, हम तुम्हें सोचने का वक्त देते हैं। हमारा नाम विजय प्रताप सिंह है और हम हर चीज पर विजय पाना जानते हैं। मुबारक हो हजूर, मुबारक हो। ए नई मैना, मुबारक हो हजूर। अब तुम मुंह बिठा करवा दीजिए सरकार। खामोश, हमारा दिल खट्टा हो गया, अब तुम लोगों को मीठा चाहिए। जरा मोहब्बत के फल को पकने दीजिए, फिर मिठास और रस दोनों आते लोगे। गुस्सा थूक दीजिए सरकार, मोहब्बत को मोहब्बत से जीत लीजिए। क्या हाथ मोहब्बत करें, उस जंगली बदतमीज ने मोहन 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 की रट लगा रखी है। ये मोहन कोई जरूर पुराना दिलदार मालूम होता है। अब फिर तो ये टेढ़ी खीर है। क्या टेढ़ी खीर? यही हजूर कि जो प्याला हाथ में आकर होंठ तक न आए, टेढ़ा नहीं तो फिर क्या सीधा होगा हजूर? तो सबसे पहले उसके सर से मोहन का भूत उतारना चाहिए, तब नया जादू चढ़ेगा। हाँ सरकार, जादू टूना अंतर मंत्र कोई ऐसा जंत्र चलाइए कि सुंदरी के सर से मोहन की बला टल जाए। हुक्म हो तो कोई खुफिया तरीका इस्तेमाल किया जाए सरकार। हुक्म है, अगर इस जंगली गोरी को हम अपना नहीं बना सके तो हमारी हार होगी, और हमारी हार तुम सबकी मौत होगी। मौत? अरे ये तो अपने युवराज है, तो सोचते क्या, चलो पहुंचो, चलो चलो चलो। युवराज की जय हो। युवराज, धन्य है आप जो भेष बदलकर जनता का दुख सुख जानने के लिए अपने कोमल तन को कष्ट दे रहे हैं। युवराज, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी होगी, मैं आपका युवराज नहीं,
मैं तो एक मामूली सपेरा हूँ। इस वक्त आप अपने आप को कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हम अपने युवराज विजय प्रताप की शक्ल कैसे भूल सकते? कहीं भेद खोलने के जुर्म में सजा ना हो जाए। चलो भाग चलो। ये लोग मुझे अपना युवराज समझते हैं। ये जरूर मेरा हमशक्ल होगा, जिसे रामू ने राधा को घोड़े पे ले जाते देखा था। कुछ समझ नहीं आता, ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, आज अपनी जान की खैर नहीं दरबारी। घबराते क्यों सरकारी मल जी, युवराज अभी अभी सपेरे के भेष में इधर से गए हैं। युवराज? जी हाँ, युवराज को तो हम महल में छोड़ के आए थे ना दरबारी भैया। हाँ सरकारी, खिसको 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 भैया सरकारी। हाँ भैया दरबारी। चलो पहले इस नकली युवराज की खबर ले। मैं जाने वो सपेरे का बच्चा कहाँ गायब हो गया, मुझे पूरा यकीन है कि वही राधा का मोहन था, उसकी शक्ल युवराज से मिलती जुलती है। अरे इसलिए तो वो लोग भी धोखा खा गए सरकारी। लेकिन दरबारी अब किया क्या जाए, ना तो कोई ज्योतिषी मिला और ना कोई जंतर मंतर जानने वाला जो उस चिड़िया को बस में करके युवराज के लिए उसके दिल में प्यार पैदा कर सके। सरकारी मेरी एक बात सुन, चलो शहर के बाहर जाके देखते हैं, शायद कोई जोगी जोगड़ा मिल ही जाए। भाई बात तो ठीक है। ठीक है हाँ, चलो फिर खड़े क्या हो। चलो तूने सिगड़े भी लाशी के दिमाग में अंतर मंतर की बात डाली, ना कोई जोगी जोगड़ा मिला ना कोई पंडित मंडल। आज हम दोनों की जान की खैर नहीं। सीताराम सीताराम, ओ बच्चा दरबारी, क्यों बेटा सरकारी? आप हमारे बाप। आप बाप पहलागर महाराज? परंतु आपको हमारे नाम कैसे जान पड़े? हम क्या नहीं जानत है बच्चा, कहो राधा के प्रेम में पड़ी है बाधा, सत वचन है जोगी राज, सत वचन। ये सब भेद आपने कैसे जाना, आपका कहाँ से हुआ है आना? सीताराम के धाम अयोध्या ग्राम से हुआ है आना, और सीधा कैलाश पर्वत को है जाना। स्वामी जी अंतर्यामी जी, भक्तों का बेड़ा पार करके और हमारा उद्धार करके जाइए जोगीराज। हम साधु सन्यासी अयोध्या के वासी प्रेम रेम के चक्कर में नहीं आवते है बच्चा। स्वामी जी इतने कठोर न बनिए महाराज, हम दोनों पर कृपा करते जाइए, नहीं तो वो बिगड़ा दे राशिक हम दोनों को। सीताराम सीताराम, अच्छा बच्चा हम तुम्हार राजकुमार के कल्याण करके ही कैलाश पर्वत को जावत है। धन हो जोगीराज, धन हो। चलो महाराज। सीताराम सीताराम, राधा राधा प्रेम घारा सीताराम। सीताराम सीताराम, चरण छुइए सरकार, ये लगा देंगे बेड़ा पार, जल्दी कीजिए देर ना लगाइए, उठिए। सीताराम राधा राधा प्रेम अघाधा, उठो बच्चा हम जान गए तुम्हारा कुल शिक्षा कच्चा। ब्राजिए महाराज ब्राजिए। सीताराम सीताराम, राधा राधा प्रेम अघाधा। क्यों बच्चा राधा के प्रेम में बाधा? हाँ भगवान, राधा को लगी है एक मोहन की लगन। तू करके ले आया है उका हरन, ऊ करती नहीं तो का वरन, वही से हुई गवाई लोगन की मरन। मगर हम कर देंगे वशीकरण, जान है के तान, हुई जय तुम्हारे प्रेम पीढ़ा का हरन। जब तक वो मोहन को नहीं भूलेगी प्रेम की पीड़ा का हरण नहीं होगा भगवान। होगा जरूर होगा, तू हमारे ऊपर विश्वास कर ऐ राजकुमार। ऊ राधा जौन है के तौन, मोहन की राधा, मोहन को हम निकाल के तोरे जिया रामे डाल के, छू मोहन छू मोहन छू मोहन छू मोहन। धन हो महाराज धन हो, अगर ये मैना हमारी बन गई तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। सीताराम सीताराम, हमें इनाम इनाम के कोनो काम भी हो, हम निष्काम सेवा करें जी आए, तू का कलंक लगाए दे।
बता हमका कहा है वो राधा की बच्ची अक्कल की कच्ची हम अभी उका खल ठीक किए रेत है उसके प्रेम में दम भरे देखे महाराज वो तो इसी कमरे में सीताराम 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 पर महाराज बस राजन अब तोहरा काम खत्म ये हमारा वशीकरण हम एकांत महाराधा पर चलावत है तू तमाशा देखा करा सीताराम 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 राधे राधे प्रेम अगारे राधे रानी कहे को तोहरी अखियन में पानी तोहरे जिया की बतिया हमने जानी कहल के जइयो राम ई जुलमी नैना सीताराम सीताराम कहो राधे रानी मरे तोहार नानी जो तूने हमरे युवराज के प्रेम की बतिया ना मानी नाने मरे तेरी ढोंगी जोगी तू है कौन हम उस देश के वासी हैं जहाँ सरजू नदिया बहती है सरजू नदिया बहती है मोहन मोहन छू मोहन छू बोल मोहन के लगे जाएगी मोहन कौन मोहन सीताराम सीताराम ही अब जेके चरणवा में लागे परनवा वही है तोहरा प्राण पियरवा राजा के ब्याही वही रानी काही बोल बनेगी रानी हाँ स्वामी वो हमारा राजा और हम उनका रानी फिर गए बरखा बहार कब हुई है गवर्नमेंट सीताराम सीताराम राधे राधे प्रेम घारे कहाँ है वो गधे का बच्चा अक्कल का कच्चा ऊका बुलाओ ऊका बुलाओ आते हैं स्वामी जी आते हैं चलो महाराज चलो सरकार चलो जल्दी करो लो राजन तुम्हार राधा राधे रानी मन के राजा की चरणवा में लगा ले परनवा नहीं नहीं पहले इन स्वामी अंतर्यामी की चरण धूल माथे पे लगाओ सीताराम सीताराम राधे राधे प्रेम राधे राधे रानी अब हमका जायका अज्ञा दा नहीं नहीं स्वामी अंतर्यामी अब तो हमें अच्छी तरह आशीर्वाद देकर मिलन का प्रसाद लेकर ही जाइए हाँ हाँ महाराज चलो दोनों साथ साथ पी उठाओ जाम चलो दोनों साथ साथ पी तमाम रात पी उठाओ जाम चलो दोनों साथ साथ दोनों साथ साथ अभी तो रात
चलो दोनों साथ साथ चलो दोनों साथ साथ थी दोनों साथ साथ थी। अरे 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 मंत्र उलट गया सन्यासी महाराज, आज हमारी सुराय में शराब नहीं शरबत था। वाह, सूरत तो भगवान ने तुम्हें हम जैसे दी है, लेकिन किस्मत कहां से लाओगे अयोध्या के वासी? गांव की गवार अल्लड़ गुड़िया हमें बेहोश करने से पहले बेहोश की दवा कर गिरफ्तार कर लो उसे। सीताराम 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 नहीं गया। तुम्हें भी मेरी तरह तड़प तड़प कर मरना होगा, फिर तुम्हारी रूह भी यहीं भटकती रहेगी।
तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे, सोचा था कभी दो दिल मिलकर न जुदा होंगे। मालूम न था हम यूं नाकाम वफा होंगे। किस्मत ने दिए धोखे, किस्मत ने दिए धोखे, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे। वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे। ये तय है कि हम दोनों मिलना नहीं छोड़ेंगे। जो रोक सके रोके, जो रोक सके रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रोके, मर जाएंगे रो रो के। नौजवान, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस पायल के पीछे चले आओ। मगर तुम हो कौन? एक भटकती हुई रूह, एक आत्मा जिसकी जिंदगी जालिम विजय प्रताप के जुल्मों से का शिकार हो चुकी है। इसलिए जिंदगी और मौत के बीच पड़ा हुआ पर्दा मुझे तुम्हारे सामने नहीं आने देगा। नौजवान, तुम्हारी भलाई इसी में है, इस पायल के पीछे चले आओ। लेकिन तुम मुझे कहां ले जाना चाहती हो? मौत के अंधेरे से निकाल कर जिंदगी के उजाले की तरफ, ताकि तुम जालिम विजय प्रताप के जुल्मों से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सको
और वो फिर कभी किसी मासूम जिंदगी से खून की होली न खेल सके। मगर अंधेरा कब खत्म होगा? बस थोड़ी ही दूर और चलने के बाद ये धुआं खुद बहुत छट जाएगा और तुम अपने आप को खुले मैदान में पाओगे। कम है दुनिया में ऐसा जिसने पीना हो कभी, देवता तक बच न पाए, आदमी तो आदमी। ले प्याले मुंह लगा ले, झूम ले इस रात में, जिंदगी से जिंदगी को चूम ले इस रात में। कमाल अल्लाह गुड़िया, तू तो जहर की पुड़िया निकली, हमारे जाल में हमें ही फंसा के फिर हो जाना चाहती थी। जालिम कमीने, मैं तेरे सुलह से नफरत करती हूँ। अब ये बेरुखी को छोड़ दो, भूल जाओ सपेरे को, तुम विजय प्रताप की रानी बनकर हुकूमत करेगी। उससे सैकड़ों सपेरे तुम्हारे खत्मों में छुप छुप के सलाम करेंगे। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी हुकूमत पर। इज्जत का नायाब मोती औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है। सपेरन, हमारे रहम करम को कहर में बदल के तुम कहीं की ना रहोगी। तुम्हारे इस इज्जत की मोती को हम अपने गले का हार बनाना चाहते हैं। छोड़ो, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस चांद की तरह तुम ही मेरे हाथ में है। तेरे खूबसूरती के चांद को मेरे नशे की प्यास नहीं बुझती। खबरदार ये कदम आगे बढ़े, मैं ऐसे खुद की जान दे दूंगी अपनी। मैं कहती हूँ मैं जाने दे। क्या होश नहीं आएगा? कुछ कह नहीं सकते शहजादे, होश में लाने के लिए सबसे अच्छी दवा दी है मैंने। क्या बात है बेटा, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? अफसोस, होश में आकर भी वो अपने होश हवास खो बैठी हैं। क्या मतलब? ये अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। मैंने कोशिश करके इन्हें नई जिंदगी तो दी है, मगर नई जिंदगी के साथ साथ इनकी दुनिया भी नहीं हो गई है। गुजरी हुई जिंदगी की याद इनके दिमाग से मिट गई है। ये तो और भी अच्छा हुआ सरकार। आप क्या कह रहे हैं? आपने अपना काम कर लिया ना, अब हम अपना काम करेंगे, आप जा सकते हैं। जो हुकुम सरकार। शाबाश, तुम भी जाओ। राजकुमारी, अब आपकी तबीयत कैसी है? राजकुमारी प्रेम प्यारी, आप ठीक है ना? कौन है? आप हैं राजकुमार विजय प्रताप सिंह, आपके मंगेतर। सरकार का बोलबाला, दुश्मनों का मुंह काला, हुजूर की हर अदा निराली है। हमें गाने बजाने दिल बहलाने के लिए बुलाया और खुद गाड़ी छोड़कर यहाँ घूम रहे हैं। तो तुमने पहचान लिया हमें? आप लाख भेज बदलें सरकार, मगर ये आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, तुम जा सकते हो। लेकिन महाराज, आपने तो नाच गाने के लिए बुलाया था, उसका क्या होगा? आज नाच गाना नहीं होगा, अब तुम जाओ। जो आ गया महाराज। आज तुम्हारे बदले महफिल का रंग मैं ही जमाऊंगा।
बन जाए कोई ये मेरी तकदीर नहीं, मेरा बन जाए कोई ये मेरी तकदीर नहीं, मैं वो शीशा हूँ कि जिसमें कोई तस्वीर नहीं, मेरा बन जाए कोई ये मेरी तकदीर नहीं। नजरे आवारा दिल आवारा कदम आवारा, नजरे आवारा, नजरे आवारा दिल आवारा कदम आवारा, जाने कब तक मैं फिरूंगा यूं ही मारा मारा, जो मुझे रोक ले ऐसी कोई जंजीर नहीं, मैं वो शीशा हूँ कि जिसमें कोई तस्वीर नहीं, मेरा बन जाए कोई ये मेरी तकदीर नहीं। कहे हैं मैंने कितने अफसाने, कितने अफसाने निगाहों सहे हैं मैंने, कितने गम ऐसे हैं जो हंस के सहे हैं मैंने, कितने ख्वाब ऐसे हैं जिनकी कोई ताबीर नहीं, मैं वो शीशा हूँ कि जिसमें कोई तस्वीर नहीं, मेरा बन जाए कोई ये मेरी तकदीर नहीं। एक से एक हंसी मेरी नजर से गुजरा, एक से एक, एक से एक हंसी मेरी नजर से गुजरा, बिजलियाँ टूट पड़ी दिल पे जिधर से गुजरा, क्या करूँ मैं कि मेरी आह में तासीर नहीं, मैं वो शीशा हूँ कि जिसमें कोई तस्वीर नहीं, मेरा बन जाए कोई ये मेरी तकदीर नहीं, मैं वो शीशा हूँ कि जिसमें कोई तस्वीर नहीं, मेरा बन जाए कोई ये मेरी तकदीर नहीं। लेने आया हूं, चलो चलो भाग चले। अरे तुम, इस
इतनी रात गए हमारे होने वाली रानी की खाबगा में। मैं पूछता हूँ तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अजीब सर फिरा है, मुझे राधा कहता है और कहता है मैं तुम्हारा मोहन हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। गाता जरूर अच्छा है मगर जरा पागल मालूम होता है। हाँ, पागल हूँ, दीवाना हूँ तेरे प्यार का, बेहया, बेवफा, बेशरम। दौलत की लालच में आज मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। तेरी ये मजाल मामूली नट अपनी औकात भूल के बात कर रहा है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। कुछ शक तो मुझे भी हुआ था। कैसा शक? कौन है ये? राजकुमारी प्रेम प्यारी, तुम इसे नहीं जानती, ये एक गाने वाले बंजारे की शक्ल में खतरनाक लुटेरा है। मैं तो कहती हूँ आप इसे छोड़ दीजिए, आपने गाने के नाम शायद कम दिया होगा इसे, कुछ और इनाम दे दीजिए ना। मुझे मेरा इनाम मिल गया, जहरीली नागिन, नीच, ये होगा। चलो। अभी नहीं मिला लेकिन मिल जाएगा। मालूम होता है इस बेचारे को कम इनाम मिलने का बहुत दुख है। राजकुमारी, हम इसे और इनाम देंगे और हम ये चाहते हैं कि आप इस इनाम को अपने हाथों से लें। ताकि इसकी गुस्ताख नजरें आपको देख न सके राजकुमारी। लेकिन आप तो इसे इनाम देने वाले थे ना? इनाम? इनाम मैं नहीं, आप देंगे इन खूबसूरत हाथों से। हम? हाँ। ये लीजिए और उड़ा दीजिए इसके बदन की खाल। ये कैसा है? राजकुमारी प्रेम प्यारी की तौहीन करने वालों को ऐसा ही इनाम दिया जाएगा। बोटी बोटी काट के चीलों और कबों को डाल दी जाएगी। नहीं राजकुमार, ऐसा न कीजिए। आप राजकुमारी हैं, आपको अपने हाथों से बदला लेना चाहिए। लीजिए और उड़ा दीजिए इस बदमाश की धज्जियां। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। तुमसे नहीं होगा तो हम खुद इस गुस्ताख को इनाम देंगे। की लाश उठा के जंगल में फेंक दी जाए ताकि जंग भूखे जानवरों का भला हो। अरे ये तो किसी की लाश मालूम होती है। मोहन कहाँ चला गया है पता नहीं लगता। अरे भाई ठहरो ठहरो। राधा, मोहन जरूर कोई पागल मालूम होता है। कौन है तू, कहाँ जा रहा है? अरे भाई
मुझे अंदर जाने दो, मुझे मोहन से मिलना है। कौन से मोहन से? कौन से मोहन से? अरे भाई अभी अभी जो घोड़ा गाड़ी में राधा के साथ गया है। अबे चक्कर छाप, वो तो हमारे युवराज है और अपनी मंगेतर के साथ अंदर गए। युवराज? हाँ। तो क्या मोहन युवराज बनेगा और राधा बनेगी रानी? अबे मरे तेरी नानी, तेरा भेजा खराब हो गया, जाता या पैरखाने भिजा दूं? तभी से बात कर रहा है, अगर मैं चाहूँ तो तुझे कोड़े लगवा सकता हूँ, जेल भिजवा सकता हूँ। भिजवा सकता है ना? हाँ। मैं अभी क्या कर सकता हूँ वो बताता हूँ। क्या? जरा हुकुम सिंह हाथ बताना इसे। हाय 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 हाय, छम्मक चलो, जरा धीरे चलो, कहीं कमरी लचक न जाए। अबे भोलू, हमसे मस्करी अच्छी नहीं, कह देती हूँ। हाँ। हाय हाय चमेली, कितना खुशबूदार नाम है तेरा। अरे कम से कम अगर प्रेम के दो फूल नहीं फेंक सकती है तो ये नफरत के कांटे तो मत चुभा। मुझे छेड़ मत भोलू, वरना रानी जी से जाके शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं ऐसे मत करना, तू जा सकती है, मैं तुझे छेड़ता नहीं हूँ। मेरा मतलब है सिर्फ मेरा ख्याल रखना, और क्या है। शिकायत कर दूंगी मैं भी, देख लूंगा। गूंगट में जले गोरी और बड़े दिल की धड़कन। तू कौन? मैं हूँ चमेली की बहन गुलाबी। जबी तो है आंखें शराबी, जान तो खिलाना। हट मुए, मुझे हाथ ना लगा, नहीं तो मेरा नाजुक बदन मैला हो जाएगा। मुझे रानी का सिंगार करना है। रानी का सिंगार? हाँ। हमारा सिंगार कब करोगी? शाम को बगिया के पिछवाड़े। हैं सच? हाँ। मिला हाथ। ये हाथ तो बड़ा सख्त मालूम हो रहा है। राधा, राधा तू तो रानी बन गई, सचमुच रानी बन गई। अच्छा रानी, मुझे बताता हूँ, सब बताता हूँ। कौन है तू? मैं मालम, आपकी मालम। मेरी मालम? मगर मेरी मालम तो चमेली है। मैं उसकी बहन गुलाबी हूँ, उसने मुझे भेजा है आपका हार श्रृंगार करने के लिए। ओ, जूही के है ना? मोतिये के। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्न में हजार है, बहार पुर बहार। अरे वाह मालूम, क्या फूलों के गहने बना के लाई हो। मोहन? कौन मोहन? सरकार इसे इसे मोहन माला कहते हैं, मोहन माला। शादी की रात सारा सिंगार हम फूलों से करवाएंगे। क्यों राजकुमारी प्रेम प्यारी, आपको पसंद है? हाँ विजय प्रताप जी। मालन तुम जाओ। जो क्या? हम अपनी राजकुमारी का सिंगार अपने हाथों से करेंगे, आपको इतराज है? चांद को बदली में क्यों छुपा लिया अलबेली? ना मैं अलबेली हूँ ना चमेली, मैं तो कोई दूसरी हूँ। हाय तो फिर जरा गुट खोल दे, मुख से बोल दे कि तू कौन है। अजी मैं चमेली की बहन गुलाबी हूँ। गुलाबी? हाय गुलाबी शताबी, नाम सुनते ही बढ़ गई मेरे दिल की बेताबी। अब जरा घटा हटा दो और अपना जान सा मुखड़ा मुझे दिखा दो। वाह, बिना जाने पहचाने कैसे घूंघट हटा दूं, आखिर तुम हो कौन? अरे मालन की लल्ली, मिश्री की डल्ली, तुम हजारी मल बल गुलजारी मल को नहीं जानती? मैं तो नहीं जानती। अरे हम यहाँ के मंत्री हैं। झूठ, मंत्री है? अरे आज झूठ है तो फिर कल सच हो जाएगा। हम यहाँ के मंत्री बनेंगे और तू हमारी रानी यानी के मंत्रायन। मंत्रायन? अरे अरे प्रेम की आग लगा के दिल पे बिजली गिरा के तू कहाँ जा रही है? कहाँ आप इतने बड़े मंत्री, कहाँ मैं गरीब मालूम, भला क्या साथ हम दोनों का? अरे यहाँ तो यही होता है, राजा गांव की गोरी को लाएगा तो मंत्री मालन से दिल नहीं लगाएगा। जाओ जाओ, मुझसे झूठा प्यार ना जताओ, अपनी अलबेली चमेली को ही रिझाओ। चमेली? नाम ना लो सखीजी का, हम प्रेम के फूलों की चाह करते हैं तो वो कांटे चुभोती है, हम प्रेम से नजरें मिलाते हैं तो वो आंखें दिखाती है। गुलाबी कसम है तेरे शर्मो हैया की, हमें तो तेरी अदा भाती है। पर वो हटीली नुकीली चमेली युवराज से फरियाद कर देगी और हमारी मोहब्बत बर्बाद कर देगी। अरे सांवरी तू है बांवरी, मैंने कहा ना हमारे राजकुमार विजय प्रताप खुद ही एक सच्चे आशिक हैं, वो किसी के हुस्न जमाल पर मर मिटे हैं। ऐसा? हाँ।
भला कौन है वो परी जिससे युवराज की नजरें हैं लड़ी? अरे ये परी तो है गांव की गोरी। झूठे कहेंगे, भला गांव की गोरी महल में कैसे आएगी? अरे आएगी नहीं, आ गई है और हमारे युवराज के मन को भा गई है। बाबा कौन है वो भाग्यवंती, जरा हमें भी उसके दर्शन कराओ। अरे वही जिसे तू अभी फूलों से सजा कर आ रही है और जिसकी शादी की जल्द तैयारी है। मगर वो तो राजकुमारी प्रेम प्यारी है। अरे वो राजकुमारी प्रेम प्यारी नहीं है, वो गांव की गोरी है राधा, जिसे हमारे राजकुमार विजय प्रताप उठा लाए हैं। वाह, गांव की गंवार राधा को राजकुमारी प्रेम प्यारी बना दिया, तो तुम मुझे क्या बनाओगे, गुलाबी से आफताबी? अरे तुझे बनाने की क्या जरूरत है, वो राधा तो हमारे राजकुमार का दम ही नहीं भर रही थी, एक मोहन था ना मोहन, उसके नाम पर मर रही थी। मोहन के नाम पर मर रही थी, तब तो बहुत ही बुरा कर रही थी। हमारे सरकार ने मोहन को साफ कर दिया, साफ। मोहन को साफ कर दिया, मोहन को साफ कर दिया और राधा को राजकुमारी प्रेम प्यारी बना दिया। वो तो किस्मत ने बना दिया, राजकुमार और राधा में मारामारी हो गई, सर पर ऐसी मार लगी कि यार तो क्या वो सारे संसार को भूल गई और राजकुमार को अपना मंगेतर समझ बैठी। कल तक जो ऊपर आंख उठाकर नहीं देखती थी, आज वो राजकुमार की आंखों में आंखें मिलाकर यूं देखती है, यूं देखती है गौरी जैसे हम दोनों। मंत्री जी, मंत्री जी, आज मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ। मेरी छम छम बाजे पायलिया, मेरी छम छम बाजे पायलिया, मेरी छम छम बाजे पायलिया, मेरी जी, कल मिलोगे ना बगीचे में? जरूर मिलूंगा, मत तू तुम्हें मेरी जाने दे मुझे। तो राधा अपनी याद खो बैठी है, ये मोहन नहीं राजकुमार है, दोनों की शक्लें भी मिलती हैं, फिर मोहन का क्या हुआ? आप लोग कौन है? मैं आपकी दाई हूँ, युवराज विजय प्रताप सिंह जी। युवराज विजय प्रताप सिंह, चोर लुटेरा। तो फिर आप कौन है? मैं तो एक मामूली सपेरा हूँ। एक सपेरा, एक लुटेरा। मैंने ही इसे अपने हाथों से जन्म दिलाया था और फिर उस डाल से अलग कर दिया जिस पर ये खिला था। हो ना हो ये वही है, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, मेरा दिल गवाही देता है ये वही है। वही कौन माँ जी? आप भी सुंदरगढ़ के? मैं सुंदरगढ़ का राजकुमार नहीं हूँ माँ, और ना होना चाहता हूँ। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? कुछ मत समझाओ माँ, कुछ मत समझाओ। तुम बदन पे कोड़ों के निशान देख रही हो ना, एक राजकुमार की सूरत लेके जन्म देने की सजा है माँ। ये क्या कह रहे हो भैया, तुम्हें कोड़े कौन मार सकता है? वही कमीने राजकुमार ने मेरा हमशक्ल है, सब कुछ छीन लिया, मुझे जाने दो। भैया तुम्हारी हालत अच्छी नहीं, तुम अभी यहीं आराम करो, लेट जाओ। हाँ बेटा पूरन ठीक ही कहता है। किसी पे दिल आए फिर कोई तुझे भी तड़पाए, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे। तेरा भी किसी पे दिल आए फिर कोई तुझे भी तड़पाए, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे। We'll be right back.
जवानी ये बहारों से हंसी तेरा बदन, ये गुरूरे हुस्न ये अंदाज और ये बाकपन, सब तुझसे फरियाद करें लेकिन मुझको याद करें, तन्हाई में आवाज मेरी एहसास से तेरे टकराए, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे। जिसे चाहे वो तेरे दिल से बेगाना रहे, तुझको भी दुनिया किसी जालिम का दीवाना कहे, मेरी तरह बेताब रहे रातों को बेखाब रहे, तू जिसकी तमन्ना दिल से करे वो नाम से तेरे घबराए, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे। कोई महफिल कोई तन्हाई न रसाए तुझे, मेरे पहलू में मोहब्बत खींच के लाए तुझे, ओ न कोई जब साथ तेरे फिर मचले जज्बात तेरे, जब कोई तेरा जी बहलाए तू और परेशान हो जाए, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे। मोहन बदलू तू बदलू, ये बता तू यहाँ कैसे? भाई तू राधा की तलाश में निकल पड़ा तो मैं तेरी तलाश में निकल पड़ा, मगर तुझसे पहले ही राधा। बदलू नाम मिला ले उस हर जायका मेरे सामने। मोहन जिसने तुम्हारे लिए अपना घर मार छोड़ा, अपनों से मुंह मोड़ा, उसके लिए ऐसे लफ्ज बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? तू नहीं जानता बदलू, सोने चांदी की चमक दमक ने उसे बेवफा बना दिया, उसने मुझको पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो अपने आप को नहीं पहचान सकती मोहन, तो तुझे क्या पहचानेगी? क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपनी याददाश्त खो बैठी है, पिछली जिंदगी से उसका नाता टूट चुका है, राधा राधा ना रही बल्कि राजकुमारी प्रेम प्यारी बना दी गई। मगर बदलू तुझे ये सब कैसे मालूम? मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ मोहन, खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। सच? तो फिर ये सब उस बदमाश राजकुमार की चाल होगी। इसलिए कहता हूँ कि अपनी राधा को जल्दी बचाओ, बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। ये शादी नहीं होगी बदलू, तू जाके सारे गाँव वालों से कह मोहन अपनी राधा को ला कर ही रहेगा। दाई माँ तुम होश में तो हो? मैं सच कहती हूँ रानी माँ, आपने विजय प्रताप सिंह के साथ एक और जुड़वा बालक को जन्म दिया था। कहाँ है वो बालक? दो दिन पहले जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ वो मुझे भागन की झोपड़ी में था, विजय प्रताप सिंह जी ने उसकी ये हालत की थी। दोनों इतने हमशक्ल है, मैं तो समझी कि विजय प्रताप सिंह जी को किसी दुश्मन ने जख्मी करके फेंक दिया। रानी माँ भाई भाई का दुश्मन हो गया है, वो जरूर विजय प्रताप सिंह से बदला लेने के लिए राजगढ़ी में गए। बदला? किस बात का बदला? सुना है कि युवराज जबरदस्ती किसी लड़की को उठा लाए हैं और उसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की दूसरे कुमार को प्यार करती है। दूसरे कुमार को प्यार करती है? हाँ महारानी। लेकिन सरकार दुल्हन पाने के बाद मुँह से निकले हुए वचन को ना भूलिएगा। हाँ, कौन सा वचन? यही कि आप मुझे महामंत्री बनाएंगे। और मुझे तो कोतवाल बना दीजिए सरकार, फिर देखिए कैदियों पर ऐसे कोड़े बरसाऊंगा, ऐसे कोड़े बरसाऊंगा। अरे तुझे क्या हुआ, रोता क्यों है? हुजूर कोतवाल बनाने का वादा तो आपने मुझसे किया था, सूली पर चढ़ जाइए, अपना वादा जरूर निभाइए और इस बेंगे की बातों में मत आइए। हमें अपने वादे अच्छी तरह याद है, तुम लोग जाओ, हम आराम करना चाहते। अच्छा हुजूर जरा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा, जाओ। मैं भी जाऊँ हुजूर? Thank you.
तू चोर लुटेरे। चोर अब लुटेरा मैं नहीं, तू है। तू तूने ही मेरी चाहत पर टाका डाला है। वो मुझे चाहती है, ये झूठ है, फ्रेड है। जिसे चाहती है उसी की बन जाएगी। तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं, इसलिए कि हम दोनों की सूरत एक जैसी है। अगर फर्क है तो इस गंदे लिबास का, जिसको मैं छूने से भी नफरत करता हूँ। लेकिन आज मुझे अपनी राधा को तेरी चुंगल से छुड़ाने के लिए इस गंदे लिबास की जरूरत है, समझा? अब देख, तेरे इन कपड़ों से मैं एक राजा के रूप में लुटेरा बन गया, और तुम एक मामूली सपेरा। इसी सूरत का धोखा देकर तूने मेरी मोहब्बत को मुझसे लूटा था, और आज इसी सूरत का धोखा देकर तेरे बिछाए हुए जाल में मैं तुझे फंसाऊंगा। सरकार, माई बाप, हुजूर। दरबारी, सरकारी और हजारी, देख रहे हो हमारे मेहमान को? अरे ये तो वही सपेरा है। हाँ? ये मरा नहीं अभी तक? हाँ, कम वक्त मर मर के जी उठता। इसकी जिंदगी और मौत का फैसला हम शादी के बाद करेंगे। ले जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। चलो, कम वक्त कहीं का, कहाँ से आ तक तेरे का बच्चा। अबे फिर रुक गया, चल भेड़िया टट्टू, बेशर्म कहीं का, रंग में भंग डाल दी, नींद हराम कर दी हमारी। बच्चा जी राधा से प्यार करते हैं, जिस पर हमारे राजकुमार दिलो जान से मरते हैं। शकल तो देखो बिल्कुल गधे जैसी मालूम होती है। अरे गधे जैसी कहाँ, शकल तो बिल्कुल हमारे युवराज से मिलती है। मुझे तो मालूम पड़ता है जैसे हम उन्हें ही पकड़ के ले आए हैं। अरे तू चुप रह। मगर अब इस उल्लू के पट्टे का क्या करें? मेरा ख्याल है इसे कैदखाने भिजवा दें। कैदखाने भिजवाने वाले हम कौन हैं भला? अरे इसका फैसला युवराज विजय प्रताप ही करेंगे। फिलहाल इसको पलंग से बांधो हजारी के। मेरे पलंग के साथ? अरे बाबा मेरी नींद क्यों हराम करते हो? तेरी नींद कैसे हराम होती है? अरे बाबा ये बला मेरे गले क्यों बांध रहे हो? गले नहीं, पलंग से बांध रहे हैं, पलंग से। और हम जा रहे हैं, तुम इसका ध्यान रखना, भागना चाहिए, ख्याल रखना इसका। मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। अपनी भी सेहत बना और मेरी भी सेहत बनी रहने दे। मुन्ने सोने देना बेटा, क्यों मेरी नींद हराम कर रहा है? खबरदार जो भागने की कोशिश की तो। अरे छोड़ यार हजारी मल, तू तो शादी में मजे करने जा रहा है और मुझे इस रोत की शक्ल के पास छोड़े जा रहा है। अरे ये हमारे राजकुमार का हुक्म है। मुझे सब मालूम है क्या हुक्म है। ये बेचारा इतना मजबूत बंधा हुआ है, ये आसानी से भाग सकता है? नहीं। तो फिर मुझे साथ ले चलना शादी में। अरे भोले तू बड़ा भोला है, ये कम वक्त मर मर के जिंदा हो जाता है, और मौका मिलते ही उड़न छू हो जाएगा। और हमारे इस युवराज की यही ताकीद है कि इसको इसी तरह बंधे रखना, समझे? अच्छी बात है, लेकिन एक बात, हाँ, तू वहाँ शादी में जा रहा है, जा रहा, तुझे मिठाई मिलेगी, मिलेगी, आधा हिस्सा मेरा रखूंगा। और वहाँ जो नाच गाना हो ना, तो मुझे करके बताना। अरे बताऊंगा, मगर एक बात याद रख, इसका ख्याल खास रखना। अरे तू डर मत, मेरा बाप आजाद हो सकता है मगर ये नहीं। तो फिर मैं जाऊँ? जब तुझे बहुत अच्छा, पकड़ना पकड़ना। खबरदार खबरदार, जो भागने की कोशिश की तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े टुकड़े। सिपाहियों सिपाहियों, हाय सब शादी में गए, तू तकदीर वाला है, मुझे अकेला छोड़ के जाओ। खबर ओम कराराम स्वाहा गणपति गंगा महे, श्रीराम स्वाहा गणपति गंगा महे, श्रीराम स्वाहा गणपति गंगा महे, ओम स्वाहा। बोला बोला के बच्चे। हुजूर सरकार, माय बाप, खोल मुझे। ये तो तू है, मैं समझा मेरे हुजूर है। बेवकूफ गधा, हम ही तेरे युवराज विजय प्रताप सिंह हैं।
अरे यार क्यों दिन दाड़े आंखों में धूल झोंक रहा है, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है? ये तेरे मुंह का कपड़ा खुला हुआ है इसलिए तू टें 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 बोला। ठहर पर मैं बांधू। भोला तू तो सचमुच भोला है, तू असली और नकली को नहीं पहचानता क्या? इसीलिए तुझे मैंने अपना खास अंगरक्षक बनाया था। बेटा सपेरे, मैं वो हाथ भर का सांप नहीं कि इधर तूने बीन बजाई और फट से टोकरी में, समझा? मैं सपेरा नहीं भोला, सपेरा नहीं। जरा याद कर, पिताजी के वहाँ तू एक मामूली संतरी था कि नहीं? था था। फिर तुझे अपना खास संरक्षक किसने बनाया था? मेरे हुजूर। और माधुरी से आंख लड़ाने पर उसके बाप ने जब तेरा मार मार के कुचुंबर बना दिया था, उस वक्त तुझे किसने बचाया था? मेरे सरकार ने। मगर तुझे ये राज कैसे मालूम हुआ? बोल जल्दी बोल। इसीलिए कि हम ही तेरे युवराज विजय प्रताप सिंह हैं और हमने ही तुझे बचाया था। बिल्कुल ठीक, वरना ये राज की बात दूसरे को नहीं मालूम हो सकती है। आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, खोल तो दे मुझे। नहीं, पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, माफ कर दिया। नहीं, आप जल्दी में झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती हो गई सरकार वाली, मुझे जल्दी असली खबर तो दरबारी सरकारी और हजारे की लूंगा। आप पहले अभी साल की नए मंगल फेरे होंगे, बाद में आप दोनों एक दूसरे के जन्म भर के लिए हो जाएंगे। जन्म में कभी नहीं होंगे। बाप रे बाप, फिर वही सपेरा हमारा। भोला, तूने इसे क्यों खोला? अबे पहले मैंने खून कटोला, फिर मेरा भेजा बोला कि हम दही के बदले चूना चाट रहे हैं, हीरे के बदले शीशे को सीने से लगा रहे हैं। असली असली राजकुमार वो नकली है। लगन बंद कर दो, शादी रोक दो। ये क्या बकवास है? ये राज मेरे के बच्चे को। पंडित जी, आप शादी करवाइए। शेर का शिकार किधर ले जाना चाहता है? कुछ समझ में नहीं आता, कौन सा नकली और कौन सा असली। प्रभु, अबे मोटे, क्यों तेरी अकल घास चरने गई है? मैं कहता हूँ यही असली युवराज है, यही असली युवराज है। इसका सबूत? सबूत? कौन हजारी के बच्चे? मिला सबूत जाएगा और तू? मिल गया सरकार, मिल गया माई बाप। आप असली हैं और वो नकली हैं। सूरत मैं पहचानूं या नहीं, मगर इस भारी हाथ को तो हजारों में पहचान सकता हूँ। तो फिर वो क्या देखता है, पकड़ ले पैर, मांग ले माफी और उनको भी बुला ले। मानता तू बुला ले उनको। आ जाओ आ जाओ, यही असली युवराज है, माफी मांग लो, यही वक्त है, आ जाओ। बेवकूफ, नमक खराब कर रहे सिपाहियों। तुम लोग रुक जाओ, आज इसकी जिंदगी और मौत का फैसला हम खुद करेंगे। मत रो महारानी, मत रो।
एक न एक दिन हमने मरना तो था ही, लेकिन इस मौत में हमें ये खुशी हुई कि हमारी मौत हमारे बेटे के हाथों से नहीं हुई। क्या आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ महारानी, हमें शाप था कि हमारी मृत्यु हमारे बेटे के हाथ से होगी, लेकिन लेकिन हमने वो शाप आज पूरा नहीं होने दिया। महाराज, अगर ये शाप था, ये दोनों आपके बेटे हैं। हाँ महाराज, मौत के दर से दाई माँ ने जो बात मुझसे छुपा रखी थी, इन दोनों के दूसरे का खून का प्यासा देख मुझे सब कुछ बता दिया। दाई माँ ने सब कुछ बता दिया आपको? हाँ महाराज, तो जुड़वा बेटे होने पर एक उसने आपके हवाले कर दिया था, एक मेरे पास रहने दिया था। ओ भगवान, तो ये दोनों हमारे बेटे हैं? हाँ महाराज, दोनों हमारे बेटे। हे भगवान, हमें क्षमा कर दो, हमें हमारे पापों के लिए मोहन मैं हूँ। चुप रहे, अब तो मुझे ज्यादा धोखा नहीं दे सकता। चलो मोहन, जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो, चलो। राधा, रुक जाओ बेटा, अपने पिता की लाश को इस तरह छोड़ के न जाओ। नहीं राजमाता, मुझे जाने दीजिए, आज हम दोनों की किस्मत का फैसला होके ही रहेगा। नहीं, thank you.
दुनिया तो खत्म हो गई मोहन। गोलियां खत्म हो गई। संदेह के बच्चे, विजय प्रताप सिंह को मारने से पहले तुझे अपने राधा की जान लेनी होगी, समझा? सपेरे मोहन, विजय प्रताप सिंह कभी नहीं धोखेबाज पैगाम, छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मोहन। तू घबरा मत राधा, ये तुझे नहीं छोड़ेगा और मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवता हो भैया, देवता हो। मोहन, तुम्हें पाकर मैं अपने सारे दुख भूल सकती थी, मगर तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। ना जाओ भैया, सुंदरगढ़ का राजपाट संभालो। मैं एक मामूली सपेरा, राजपाट की पेचीदा बातें क्या जानूं युवराज। अपने घर आकर कौन वापस लौटता है? अपनी मंजिल पर पहुंचकर फिर से भूली हुई राहों पर भटकना, ये कहां की अकलमंदी है बेटा? मेरी मंजिल सुंदरगढ़ के राजमहलों में नहीं राजमाता, बल्कि सपेरों की बस्ती में, अपने पालनहार गोकुल उस्ताद की झोपड़ी में। आज अगर महलों की शानो शौकत देखकर मैं अपने सपेरों की बस्ती को भूल जाऊं, तो मुझसे ज्यादा खुदगर्ज और एहसान फरामोश कोई नहीं होगा। मुझे आज्ञा दीजिए राजमाता। मुझे राजमाता ना कहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहो बेटा, मुझे माँ कहो। माँ भैया, मुझे माफ कर दो। मोर कहीं दूर हम मिले चलो सनू।